हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2 के पावर में 3x प्लस 2 माइनस 2 टू द पावर 3x प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 50 टू द पावर x, देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम देखिए हमारे पास गिवन है 2 के पावर में 3x प्लस 2 माइनस 2 के पावर में 3x प्लस 1 प्लस 2 के पावर में 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 50 के पावर में x। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 के पावर में 3x इंटू में 2 के पावर में 2 माइनस 2 के पावर में 3x इंटू 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 3x इंटू में 2 के पावर में माइनस 1। और 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25 इसके होल पावर में x। यहाँ देखिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4 इंटू में 2 टू पावर 3x माइनस 2 इंटू में 2 टू द पावर 3x प्लस 2 टू द पावर माइनस 1, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू में 2 टू द पावर 3x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में x इंटू में 25 को लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, हमारे पास हो जाएगा 5 के पावर में 2x। यहाँ से कि 2 टू द पावर 3x हम कॉमन ले लेते हैं, 2 टू द पावर 3x हमारे पास बच जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2 इजक्ल टू 2 के पावर में x इंटू 5 के पावर में 2x। 2 टू पावर 3x को लिख सकते हैं 2 टू पावर x इंटू में 2 के पावर में 2x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 बाई 2 इजक्ल टू 2 के पावर में x इंटू 5 के पावर में 2x। 2 के पावर x से 2 के पावर x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 बाई 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2x अपॉन में 2 के पावर में 2x। यहाँ देखिए 5 बाई 2 को लिख सकते हैं 5 बाई 2 के होल पावर में 1 इज इक्वल टू, इसको हम पावर ऑफ कोशेंट रूल से लिख सकते हैं 5 बाई 2 होल के पावर में 2x। अब यहाँ देखिए बेस सेम हो गया है तो पावर को हम कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2, ये हमें फाइंड आउट करना था x इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।